नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा श्री रसखान जी की कथा, किस तरह से उनका कृष्ण प्रेम हुआ। रसखान जी के बारे में अनेक कथा और कहानी आती है, जिनमें से एक ये भी है जो मैंने संतों के द्वारा सुनी है। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन आप जानते हैं वो मुस्लिम थे, लेकिन प्यार श्री कृष्ण से। उनका प्यार इतना भगवान से हो गया, अगर आप उनके पद देखोगे तो उनका प्रेम आपको समझ में आ जाएगा। भगवान की अच्छी बात यह है कि वो किसी की जाति पाति कुछ नहीं पूछते हैं, वो हम इंसान हैं जो पूछते हैं। भगवान के बारे में बात आती है कि जात पात बूझे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर भक्ति मार्ग पर कोई भी चलता है तो उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपका बस भगवान से प्रेम हो जाए, फिर भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। तो रसखान के बारे में जो कथा आती है वो इस तरह से है। एक बार श्री रसखान जी अपने उस्ताद और अनेक लोगों के साथ हज यात्रा मक्का मदीना पर जा रहे थे। रास्ते में उनके उस्ताद ने कहा, देखो हिंदुओं का तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है, वहाँ एक काला नाग रहता है। मैंने सुना है जो ये काला नाग है वो वृंदावन आने वाले व्यक्तियों को डस लेता है, इसलिए तुम संभल कर चलना, इधर उधर बिल्कुल मत देखना, एकदम सीधे मेरे पीछे पीछे चलो। जो उस्ताद जी ने इतना कहा तो रस खान को उत्सुकता होने लगी कि कौन सा वो काला नाग है, मानो आज कृष्ण उन्हें अपनी ओर खींचने लगे हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम का यही अर्थ है जो सर्व आकर्षण है, जो सबको खींचता है। रसखान जी सोचने लगे, ये वृंदावन धाम तो कृष्ण जी का है, फिर यह नाग लोगों को कैसे डस सकता है। ऐसा सोचते सोचते वो चले जा रहे हैं, तभी भगवान ने अपनी लीला करनी शुरू कर दी, जो कृष्ण जी का काम है। कृष्ण जी ने सोचा, देखूं ये कब तक इधर उधर नहीं देखता, कब तक बिना देखे चलेगा। तभी बांके बिहारी ने अपनी मुरली की तान छेड़ी। रसखान अभी बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें श्री राधा रानी के पांव की नुपुर की ध्वनि सुनाई देने लगी। रसखान को अब अपने आप पर काबू करना मुश्किल हो गया, लेकिन उस्ताद जी वाली कि काली नाग यहाँ रहता है वो डस लेगा वो उन्हें याद है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे। रसखान जी मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। इतने में यमुना नदी आ गई और रसखान देखे बिना नहीं रह सके। रसखान जी क्या देखते हैं कि वहाँ पर कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ विराजमान हैं। रसखान ने उनकी एक झलक देख ली, मानो आज सब कुछ भुला बैठे। श्री जी राधा रानी और श्याम जी कृष्ण के युगल छवि के दर्शन पाकर मतवाले हो गए, मानो आज भगवान के माधुर्य रस को रसखान जी ने आज चख लिया, और जिन्हें भगवान के माधुर्य रस का पान हो जाए अब उसे और चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। अब तो रसखान जी महाराज ब्रज की रेत में लोटपोट होने लगे, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देके अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ रसखान जी भगवान को ढूंढने में लग गए, सभी से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, तुम्हें कहीं हमारे सांवरे सलोने को देखा, किसी ने मेरे सांवरे सलोने को देखा, किसी ने शाम की प्राण प्यारी राधा जी को देखा। ऐसा कहते रसखान और बार बार बेहोश होते जा रहे हैं। रसखान जी के उस्ताद आगे निकल गए थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें रसखान कहीं नज़र नहीं आया। उस्ताद जी के साथ अन्य लोग हैरान रह गए, अरे रसखान जी कहाँ गए। जब सभी वापस पीछे आए और उन्होंने रसखान की दशा को देखा तो समझ गए उन्हें किसी कालिया नाग ने डस लिया है, अब वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। उस्ताद जी और बाकी के लोग सभी रसखान जी को वहाँ से छोड़कर हज यात्रा पर चले गए। अब रसखान जी का प्रेम इतना कि वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते, वृंदावन में रहने लगे। जब जब रसखान को होश आता उठते और कृष्ण को ढूंढने लगते। रसखान जी पूछते हैं, तुमने कहीं वो सांवरा सलोना देखा जिसके हाथ में मुरली है, उनके साथ उनकी बेगम भी है, कहीं देखा है, अगर किसी ने देखा तो वो बता दे।
मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तब किसी ने वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर का पता बता दिया कि रसखान जी, तुम बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओ, वहाँ तुम्हें कृष्ण जी और राधा जी दोनों मिलेंगे। अब रसखान जी दौड़े दौड़े भागे भागे मंदिर में गए, लेकिन वहाँ के पुजारी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। रसखान जी बाहर बैठ गए, भूखे प्यासे बैठे रहे। 3 दिन बीत गए बंधुओं। उसके बाद खुद बांके बिहारी अपना प्रिय दूध भात चांदी के कटोरे में लेकर आए और अपने हाथों से खिलाया है। इसके बाद रसखान जी ने भगवान के लिए ऐसे ऐसे पद लिखे, उनके भाव को देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा लगता था मानो रसखान जी को सारी लीलाएं भगवान की दिखाई दे रही हैं और उन्हें कविता के माध्यम से लोगों को बताए जा रहे हैं। रसखान जी कहते हैं, यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो जाए फिर वो जाने वाला नहीं है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो फिर कहाँ जाएगी। तो ऐसे ही रसखान जी के अनेक दोहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में उनकी चर्चा करूँगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है रसखान जी ने जो लिखा है कृष्ण जी के बारे में, कि ताही अहिर की छोरियाँ छछिया भर छाछ फे नचावे। जिन कृष्ण जी को बड़े बड़े संत महात्मा समाधि लगाकर उनका ध्यान करते हैं फिर भी वो उनके ध्यान में नहीं आते। रसखान जी लिखते हैं, उन कृष्ण जी को अहिर की छोरियाँ भगवान श्री कृष्ण को थोड़े से छाछ पर नाचने के लिए कहती हैं और भगवान उनका प्रेम देखकर थोड़ी सी छाछ पीने के लिए ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। धन्य है गोपियों का प्रेम। एक बार रसखान जी से किसी ने वृंदावन में पूछा, अरे ओ दाढ़ी वाले बाबा, कहीं भगवान को कृष्ण को कहीं देखा है या ऐसे ही कहते रहते हो। रसखान जी मुस्कुराए और बोले, अरे क्यों नहीं देखा है, देखा है ना, चलो मैं बताता हूँ। तो कहते हैं, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कहते हैं, सेवा कुंज निकुंज वन में श्री कृष्ण राधा जी के चरण कमल में पलोटत बैठे हुए हैं, देख लो जिसको देखना हो। इस तरह से रसखान जी ने अनेक पद लिखे हैं जिनका वर्णन मैं आगे आने वाले वीडियोस में करता रहूँगा। रसखान जी ने सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया था और पूरा जीवन इन्होंने भगवान के लिए गाया है, दर्शन किया है। बोलिए महान कृष्ण भक्त रसखान जी की जय। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, उसे आप दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्णा।